रानी ताराबाई जो याद की जाती है अपने अदम्य साहस और बुद्धिमानी के लिए। उनके साहस और निडर स्वभाव की वजह से वो मराठाओं की रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। उन्हें यह उपाधि पुर्तगालियों ने दी थी। शिवाजी की बहू रानी तारा ने मुगलों से लोहा लिया था। मुगल शासक औरंगजेब ने कभी भी नहीं सोचा था कि यह मराठी रानी भी उसे नाक को चने चबवा देगी। अगर ध्यान दे तो महज कुछ महिला वीरांगनाओं को ही हम जानते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई शीर्ष पर है। रानी तारा की मूर्ति तो भले ही स्थापित हो गई है, लेकिन इनकी वीरता की कहानी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पर धुंधली पड़ गई है। लिहाजा एक बार फिर से इतिहास के पन्नों को टटोलने की कोशिश करते हैं, साथ ही इस वीडियो के माध्यम से धुंधली पड़ रही कहानी पर एक बार फिर से शाही की बोतल उड़ेलने की कोशिश करते हैं। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। उनके पिता का नाम हबीर राव मोहित था, जो मराठा सेना के मुख्य सेनापति थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। पिता के सेनापति होने की वजह से उन्होंने अपनी बेटी के लिए कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी। तारा शुरू से ही बेहद स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिया था। वह तलवार से लड़ने, तीरंदाजी, घुड़सवारी, सैन्य रणनीति और कूटनीति अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। तारा को छत्रपति शिवाजी ने अपनी बहू के रूप में चुन लिया था। वो महज 8 साल की ही थी तब उनका विवाह शिवाजी के बेटे राजाराम से हो गया। बताते चलें कि राजाराम शिवाजी और उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई से हुई संतान थे। ताराबाई ने अपने जीवन काल में मराठों के उदय और पतन को देखा था। जिस समय उनकी शादी हुई तब वह एक ऐसा समय था जब मुगलों और मराठों के बीच लगातार दक्कन पर नियंत्रण के लिए युद्ध चल रहा था। इसी क्रम में साल 1674 में शिवाजी को उनके द्वारा स्थापित स्वतंत्र मराठा राज्य के शासक का ताज पहनाया गया, जिन्होंने मुगलों के वर्चस्व को चुनौती दी थी। साल 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पहले पुत्र शंभाजी को सिंहासन पर बिठाया गया। उन्होंने करीब एक दशक तक राज किया। साल 1689 में उन्हें मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया। बाद में उन्हें और उनकी मां को मार डाला गया। 15,000 की संख्या में मुगल सैनिकों के मारे जाने की वजह से मुगल बौखला गए थे। दरअसल इन मारे गए सैनिकों पर रायगढ़ का किला गिर गया था, जिसकी वजह से इतनी संख्या में सैनिक मारे गए थे। मुगलों ने बाद में शंभाजी के बेटे शाहू और पत्नी येसुबाई को भी बंदी बना लिया था। हालांकि राजाराम वेश बदलकर मुगलों की आंखों से बचकर भागने में कामयाब रहे। वह सतारा में कोर्ट स्थापित करने तक गिंगी किले में रहे। 1700 में मराठा साम्राज्य के लिए एक और क्षति का साल था। फेफड़ों की बीमारी हो जाने की वजह से उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। ऐसे में अब उनके बाद सत्ता की कमान कौन संभालता, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। दरअसल राजाराम और ताराबाई का एक पुत्र था जिसका नाम शिवाजी द्वितीय था, जो उनकी मृत्यु के समय महज 4 साल का ही था। अब अपने पुत्र के नाम पर ताराबाई शासन करने लगी। रानी के सत्ता संभालने के दौरान औरंगजेब मुगल शासक की कुर्सी पर था। ऐसे में औरंगजेब के सामने बढ़ने के लिए अच्छी रणनीति और सैन्य योजना की जरूरत थी। ताराबाई ने अपने पति के शासनकाल के दौरान पहले से ही नागरिक और राजनीतिक मामलों के बारे में सीखना शुरू कर दिया था। साथ ही वह एक कुशल घुड़सवार योद्धा थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दुश्मन पर आक्रामक हमलों का नेतृत्व करके अपने कमांडरों और सैनिकों को प्रेरित किया। उन्होंने रणनीतिक सैन्य योजना में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। मुगलों को इस बात की खबर लगी कि सत्ता रानी संभाल रही है। उन्हें लगा कि वह आसानी से अब मराठा साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं। उन्हें लगा कि एक महिला के नेतृत्व वाले इस साम्राज्य को उखाड़ फेंकना बहुत आसान होगा। खफी खान एक मुगल लेखक ने कहा था कि उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक कमजोर और असहाय रानी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकती है। रानी तारा के नेतृत्व में मराठा द्वारा खो गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया गया। साथ ही मालवा और गुजरात के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों पर भी हमले किए गए। रानी तारा ने अपने आप को हर जगह साबित किया। वह चाहे स्वयं युद्ध का नेतृत्व करना हो या फिर अपनी कूटनीति के जरिए
जीत अपने हक में करनी हो। उनकी खास बात ये थी कि उनमें कुछ भी सीखने की इच्छा हमेशा से रही थी, लिहाजा उन्होंने मुगलों की युद्ध नीति को सीखने से कभी भी परहेज नहीं किया। उन्होंने मुगल युद्ध तकनीकों से सबक लेते हुए रिश्वत देकर अपने हक में फैसला करवाना भी सीखा। उन्होंने दुश्मन शिविर के कमांडरों को रिश्वत देने जैसी रणनीति भी अपनाई। 1707 में औरंगजेब की मौत मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका थी, जिसके बाद मुगलों ने मराठों की एकता पर वार करने का फैसला लिया। अपनी इस रणनीति के तहत उन्होंने संभाजी के बेटे शाहू को रिहा कर दिया। अब शाहू ने रिहा होकर मराठा की सत्ता पर अपना एक बार फिर से अधिकार जताया। शुरुआत में रानी तारा ने उनके अधिकार को मानने से मना कर दिया। बाद में बाकी लोगों के दबाव की वजह से उन्हें शाहू को राजा के तौर पर स्वीकार करना पड़ा। दरअसल रानी तारा के शासन को अस्थायी माना गया, जिसमें वो सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति के तौर पर ही विराजमान थी। साल 1709 में रानी तारा ने अपना कोर्ट स्थापित किया। आगे चलकर राजा राम की दूसरी विधवा राजा साबाई और उनके बेटे संभाजी द्वितीय ने रानी और उनके बेटे को जेल में डाल दिया, जहां 1726 में शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो गई। दरअसल राजसा अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी। रानी तारा ने एक बार फिर से शाहू के साथ अपने रिश्ते सुधार लिए। महाराज शाहू ने उन्हें सतारा में रहने की अनुमति दे दी, जिसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वो किसी भी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कुछ समय बाद जब महाराज शाहू बीमार पड़ गए तो उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा। चूंकि संभाजी द्वितीय ने महाराज शाहू का विरोध किया था, उन्हें सत्ता देने का कोई सवाल नहीं उठता था। इस समय ताराबाई ने एक खुलासा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि उनका पोता अभी भी जिंदा है, दुश्मनों के डर की वजह से उन्होंने उसे छिपाकर रख रखा था। उनके उस पोते का पालन पोषण एक सैनिक परिवार ने किया था, जिसके बाद 1749 में महाराज शाहू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह से वह रानी की मदद से मराठा साम्राज्य के सत्ताधारी बन गए। वह जल्दी पेशवाओं के करीबी हो गए, खासकर कि नाना साहेब के। इस दौरान वह रानी की बात मानने से इनकार करने लगे, जिस पर तारा ने उन्हें जेल में डलवा दिया और कहा कि ये उनका पोता नहीं है, ये कोई बहरूपिया है, उन्हें छला गया है। आगे चलकर तारा के खिलाफ सतारा में विद्रोह शुरू हो गया, जिसे उन्होंने जल्दी कुचलवा दिया। उच्च रैंकिंग अधिकारियों के बीच समर्थन हासिल करने में असमर्थ होने की वजह से उन्होंने अंतः पेशवाओं के साथ पारस्परिक शांति की शपथ ली। सन 1761 में 86 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने शिवाजी की विरासत को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभाई थी। जरा सोचिए, जिस समय राजाराम की मृत्यु हुई, अगर उस वक्त उन्होंने उस रिक्त स्थान की पूर्ति ना की होती तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो दोस्तों, यह था रानी ताराबाई का शानदार इतिहास। दोस्तों, रानी ताराबाई के इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही अद्भुत वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अद्भुत हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।